अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान स्किन सॉल्यूशन। देखा ये गया कि शादियों का सीज़न है और आप लोग जो हैं वो ढेर सारी शादियां अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, जो अटेंड करना चाहता है वो भी बहुत अच्छा लगना चाहता है, जिसकी शादी होने वाली है वो भी बहुत अच्छा लगना चाहता है, जिसकी शादी है उसकी जो सराउंडिंग में या उसके जो रिलेटिव्स हैं, जो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, वो भी बहुत अच्छे लगना चाहते हैं। तो करें क्या? हमारे पास क्लिनिक्स में डिफरेंट तरह के फेशियल्स अवेलेबल होते हैं। जैसे जो ब्राइड है, अगर तो वो चाहती है कि वो 1000 वॉट्स जो है वो खूबसूरत दिखे, या वो नेचुरली ऐसे लगे जैसे नेचुरली ग्लास स्किन है और बहुत खूबसूरत और बहुत पर्ली सी और बहुत अच्छी सी हाइड्रेटेड और स्मूथ स्किन है, जिसके ऊपर कुछ नहीं है ऐसा जिसको के चेंज करना पड़े, अरेज करना पड़े या मेकअप से हाइड करना पड़े, तो उसके लिए हम कहते हैं कि वो फ़ोटो फेशियल लें। जब फ़ोटो फेशियल आप लेंगे तो उसके अंदर आपकी अनइवन टोन कवर हो जाती है, अगर आपके फेस के ऊपर कोई स्पॉट्स हैं वो कवर हो जाते हैं, आपके ओपन पोर्स हैं वो कवर हो जाते हैं, आपकी डलनेस है आपकी स्किन में वो कवर हो जाती है, अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई और विदर्ड लगती है वो कवर हो जाती है, मतलब जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं आपकी स्किन के ऊपर वो सारी की सारी इसके अंदर कवर हो जाती हैं अलॉन्ग विथ योर एक्स्ट्रा हेयर। जो भी आपके फेस के ऊपर आपको फज नज़र आता है वो भी इसके अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, तो जो चेक पॉइंट है वो क्या है कि एक फेशियल के थ्रू आप ऐसा सब कुछ जो है वो कवर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप 5-6 डिफरेंट चीज़ें करें। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है कि अगर तो आपकी स्किन नॉर्मल है, मतलब आपकी स्किन जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, तो फिर तो हम जो आपका मेन ब्राइडल डे होता है या आपका फंक्शन होता है उससे एक या दो दिन पहले आपको फ़ोटो फेशियल देते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई इश्यूज़ हैं तो फिर हो सकता है कि हमें 2-3 दफ़ा आपको फ़ोटो फेशियल देना पड़े। इट्स ऑलवेज बेटर कि आपके पास आपके मेन इवेंट से कम अज़ कम कोई 4 या 6 हफ्ते हो और आप हमारे पास आके एक कंसल्टेशन ले लें। उसमें हमें पता चल जाता है कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो हम आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको स्केड्यूल कर देते हैं कि आपने किस वक्त क्या करवाना है और 1000 वॉट्स खूबसूरत और फ्रेश स्किन के साथ आपने कैसे रहना है। इसका एक और फ़ायदा जो होता है वो ये होता है कि मेकअप में तो सब कुछ हो जाता है, मेकअप वाले दिनों में तो सब कुछ चल जाता है, पर जब मेकअप ख़त्म हो जाता है या मेकअप वाले दिन ख़त्म हो जाते हैं और अब आप अपनी नॉर्मल रूटीन में हैं, तो अगर आपकी स्किन के ऊपर मल्टीपल इशूज़ हों तो क्या आप हर वक्त इतना ही हैवी मेकअप करके घर में या इधर उधर फिर सकते हैं, या अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है तो फिर क्या आप इतना मेकअप करेंगे? ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते। तो अगर आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी स्किन जो है वो नेचुरली बैलेंस्ड होगी, अच्छी होगी, तो आपको बहुत कम चीज़ें साथ कैरी करनी पड़ेंगी या बहुत कम चीज़ें अपनी रूटीन में लगानी पड़ेंगी। इसके अलावा बहुत सारे फेशियल्स हैं, इसके अलावा हमारे पास वाइटनिंग फेशियल्स अवेलेबल हैं, जिनकी स्किन पर सिर्फ खाली जो है वो डलनेस है और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है वो ये ले सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं कि बहुत सारे ग्लो फेशियल्स हैं। ग्लो फेशियल जो होता है उसके अंदर आपकी स्किन को हाइड्रेशन, सपलनेस और उसके अलावा जो है वो ग्लो मिलता है ढेर सारा। फिर हम आ जाते हैं कि ऑक्सीजन फेशियल होता है। ऑक्सीजन फेशियल जो है वो 5-6 प्रॉब्लम्स को डील कर रहा होता है, बट नॉट योर फज ऑन योर हेयर और ऑन योर स्किन। जितना फज है या जितना फजी हेयर है आपकी स्किन पे, वो ऑक्सीजन फेशियल कवर नहीं कर रहा होता, उसके लिए हमें फोटो फेशियल रिक्वायर्ड है। बट बाकी अगर आपकी चीज़ें जो हैं वो ठीक, बाकी बालों के अलावा अगर आपकी बाकी चीज़ें जो हैं उनको कवर करना है, तो फिर ऑक्सीजन फेशियल भी बहुत अच्छा है। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, ये आप किसी भी एज ग्रुप का बंदा जो है वो करा सकता है, मेल्स करा सकते हैं, फीमेल करा सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट पैकेजेस भी अवेलेबल हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पैकेजेस हैं जिसमें जो ब्राइड है उसके लिए आपके 4 चीज़ें जो हम उनको ऑफ़र कर रहे हैं उसके साथ जो है वो 60% क्या कहते हैं, या 50% डिस्काउंट के ऊपर कोई एक फेशियल जो है वो उनका रिलेटिव, जो फर्स्ट रिलेटिव है, वो अवेल कर सकता है। ठीक हो क्या। या फिर ये हो सकता है कि जैसे 2 लोग इकट्ठे आ रहे हैं तो उन दोनों को जो है वो 20% ऑफ मिल जाएगा, ये भी हो सकता है। इसमें बहुत सारे पैकेजेस हैं जो कि आप फेसबुक के ऊपर देखते चले जाएंगे और हम आपके लिए जो है वो उनको रन करेंगे, पोस्ट करेंगे, आप उनको पढ़ सकते हैं।
बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि जब आप अच्छे कपड़े सिलवा लेते हैं या अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन आप अच्छे दिख फिर भी नहीं रहे होते हैं और आप उतना अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आपकी स्किन अगर हेल्दी होगी तो आपकी लुक बहुत फ्रेश और बहुत हेल्दी होगी और आपको उसके ऊपर बहुत कम काम करना पड़ेगा और वो आप अपने नॉर्मल डेज़ में भी उसी तरह चला सकते हैं। जो फोटो फेशियल होता है वो बेसिकली मशीन के थ्रू ही होता है, हमारी कोई चीज़ जो है वो हाथों से नहीं की जाती है। आपकी स्किन सेफ होती है, आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली हम उसको चूज़ करते हैं और आपकी स्किन जो है इनमें से किसी चीज़ का कोई डाउन टाइम नहीं है। इसका ये मतलब है कि अगर कल भी फंक्शन है तो आप आज भी ये करा लेंगे, इसका कोई डाउन टाइम नहीं है। आपकी स्किन जो है वो स्टेबल रहेगी, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपको स्किन को स्टेबल होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक सो कि आपको समझ आ गई होगी कि किस किस्म के फेशियल्स जो हैं वो क्लिनिक में अवेलेबल हैं और आप उनको अवेल कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे फ्रेश और 1000 वॉट्स जो है वो ग्लो के साथ जो है वो अपनी सेरेमनी अटेंड कर सकते हैं। जब भी आपको रिजुविनेशन देनी है तो उसका तरीका या मैकेनिज्म एक ही होता है, चाहे वो आप किसी भी प्रोसीजर के थ्रू करेंगे। दैट इज़ जब हम किसी मशीन के थ्रू करेंगे तब इसका मैकेनिज्म सेम ही रहता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंजेक्टेबल्स या बोटॉक्स या फिलर्स। क्या होता है कि स्किन में माइक्रो इंजरीज दी जाती हैं और माइक्रो इंजरीज जो हैं वो इंटर्न ब्रेन को बताती हैं कि यहाँ पे कुछ हो गया है, कुछ ख़राब हो गया है और वो उसको रीबिल्ड करने के लिए या रिकंस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर देता है और उसकी वजह से वहाँ पे फिर से कॉलेजन इलास्टिन जो है वो बनना शुरू होगी और फिर से रिपेयर का काम शुरू हो जाएगा। जो टाइटनिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं उनका एक ख़ास मैकेनिज्म है, ज़्यादातर उसमें जो हीट है उसको इन्वॉल्व किया जाता है और हीट या थर्मल इंजरी होती है जो कि बहुत कंट्रोल्ड फॉर्म में होती है और वो वहाँ पे रिजुविनेशन का प्रोसेस जो है वो दोबारा से स्टार्ट करती है। एक जो अगर आपको लेंथ वाइज किसी चीज़ को उठाना है, लेट्स सपोज कि अगर आप ये वाला एंगल देख रहे हैं और आप कहते हैं कि यहाँ पे मुझे सैग फील होता है कि मेरी स्किन जो है वो यहाँ से ढलकी हुई है, लटकी हुई है, then you don't require the tightening treatment. Tightening treatments आपको इस वक्त required होंगे जब आप उसको इस angle से खींचना चाहते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि sag जो है वो ख़त्म हो जाए, उसको एक जगह के ऊपर हम ले आएँ, तो फिर maybe आप वो require नहीं करते हैं। इसके different indications होते हैं। आप कभी भी ये मत समझिए कि कोई एक प्रोसीजर ऐसा होता है या ऐसा होगा जिसको कराने से आपका हर इशू सॉल्व हो सकता है। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट इंडिकेशंस होती हैं। हाइफो इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट जब भी आपको टाइटनिंग चाहिए, नेक पे चाहिए या आपको उसके अलावा आपके फेस पे चाहिए तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको नेक के अलावा डिकॉल्टे पे चाहिए तब भी यूज़ हो जाएगा। आप अगर अपने एब्डोमेन पे यूज़ करना चाहते हैं तब भी होगा, आप अपने हैंड्स पे यूज़ करना चाहते हैं तब भी हो सकता है, पर इट डिपेंड्स। इसके लिए कंसल्टेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पहले जब ये चेक कर लिया जाए कि आपके फेस पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और आपका फेस जो है उस पर करेक्शन या यूथफुल अपेयरेंस के लिए किस चीज़ को करने की ज़रूरत है या क्या करेक्ट करने की ज़रूरत है, देन द होल गेम स्टार्ट्स। अगर आपको ये लगता है कि हाइफू ऐसी एक ट्रीटमेंट है जिससे हर किसी फेस को यूथफुल अपेयरेंस दी जा सकती है और करेक्शन की जा सकती है तो इट्स नॉट ट्रू। जी, जिनमें जहाँ ज़रूरत है, जहाँ इंडिकेटेड है, वहाँ आप करेंगे, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और मल्टीपल सेशंस नहीं चाहिए होते हैं, बट मोस्टली फेस के ऊपर जो है वो हमें 2-3 सेशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं।